लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब हल्द्वानी के एमपीबीजी कॉलेज में नैनीताल जिले के ईवीएम मशीन के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिले के सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम में ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में सभी ईवीएम मशीनों को रखा गया है, जहाँ सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स, उसके बाद पीएससी और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी से भी स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब 4 जून को मतगणना तक स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसा कि आपको बताया गया, एमबीपीजी कॉलेज में हमारे द्वारा 6 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम तैयार किए गए थे। तो आज हमने 6 विधानसभाओं की इसमें वीवीपैट जो होल्ड हुई है वो रख दी गई है, और जो रिजर्व है और जो खराब है उसको हम यहाँ से सरस मार्केट वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएपीएफ लगी गई है, पूरी प्लाटून है, उसको ट्रिपल लेयर कहा गया है। उसको जो इस रूम है उस पर दरवाजे के आसपास रहेंगे, फिर नीचे गार्डन में रहेंगे, और फिर उसके जैसे हमारे टेंट अभी आज हट जाएंगे तो 10 मीटर की 25 मीटर की एक गैलरी बना दी जाएगी, उसके अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी वहाँ लगा दिए गए हैं, और सीसीटीवी कंट्रोल रूम ग्राउंड फ्लोर में ही प्रिंसिपल साहब के रूम के पास हमने लगा दिया गया है, जहाँ तक कैंडिडेट या पार्टी के अभिकर्ता जा सकेंगे। और यदि वो ऊपर स्ट्रांग रूम देखने भी जाते हैं तो वहाँ वो अपने सुरक्षा के साथ और जो महाधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे उनके साथ जा करके अपना अपना स्ट्रांग रूम को भी देख सकते हैं।